तो सब्सक्राइब करें माय चैनल और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप लोग देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये देखें कितना प्यारा रेनबो है। आज कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई है, उसके बाद ये देखें कितना प्यारा रेनबो जो है आया है आसमान पे। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, और मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि सूरज ग़ुरूब होने का टाइम है और ये रेनबो निकला हुआ है। ये देखें कितना हसीन मौसम हो रहा है। आज कराची में बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई थी और उसके बाद ये देखें मौसम कितना खुशगवार हो गया था। थक गया अब अरे चक्के जाओ, आ मामची चलाओ मामची। तेरा आजा, तुम भी आ जाओ, बुला रहा है ईशु आपको। तो व्यूअर्स आज हम बनाएंगे चावल आलू वाले, तो हमने लिए हैं 3 अदद प्याज और हमने लिए हैं 4 से 5 अदद टमाटर और ये आलू हैं और ये चावल हैं। तो हम बनाएंगे भी आलू वाले चावल। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे मसाले आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स हमने इनमें मसाले डाले हैं हसबे जायका नमक और 4 से 5 अदद कुटी हुई मिर्चों चम्मच, और हमने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया 1.5 चम्मच, और ये हमने लिए हैं तेज़पात, और ये है वाइट नमक जिसे कहते हैं चाइनीज़ सोल्ट, तो हमने इनमें डाल दिए हैं। तो आए हम बनाना शुरू करते हैं आलू वाले चावल। हमने इसमें डाल दिया है 2 कप तेल, और हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देखें हमने इसमें डाल दी है प्याज, और हम प्याज को अच्छी तरह ब्राउन होने देंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे क्या, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पता चले कि कैसे बना रही हूँ मैं आलू वाले चावल जिसे कहते हैं तहारी। फिर देखें प्याज हल्का हल्का होने लग गया है ब्राउन, तो प्याज हो जाएगा अच्छे से जब ब्राउन, तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसमें जो मैंने मसाला बनाया है टमाटर का, वो ज़रा अच्छे से प्याज हो जाए ब्राउन फिर बताते हैं हम आपको। और देखिए हमारी जो है लाइट कल से नहीं है, बहुत तंग कर रही है, जिसकी वजह से हमने बैटरी लगाई हुई है लाइट के लिए ताकि किचन में रोशनी हो। और ये शिफा चला रही है साइकिल, शिफा दोनों साइकिलों के लेती हैं मज़े। और ये अजान सो रहे हैं झूले में, और ये इशमल सो रही हैं यहाँ पर। तो हो गया है रात का टाइम, अब हम खाना बना रहे हैं। और ये देखें यहाँ हमारा प्याज हो गया है ब्राउन, तो हम प्याज में अब डालेंगे ये टमाटर जो मसाला बनाया था हमने, देखें ये हम अच्छे से भूनेंगे, ये अच्छे से भून जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखें हो गए हैं अच्छे से भून गए हैं टमाटर, तो अब हम इसमें डालेंगे ये आलू। हम इन आलूओं को भी अच्छे से भून लेंगे, आलू अच्छे से भून लें इसी के साथ। ये मैं बनाती हूँ अपने मसालों में, आलू वाले चावल हो गए या गोश्त वाले, मैं मसाले या पैकेट वगैरह नहीं डालती।
जो हमारे हस्बैंड को अच्छे नहीं लगता कि मसाला डालूँ मैं, कहते हैं नहीं नहीं मसाले नहीं डालूँ। तो ये जब अच्छे से भून जाएंगे आलू, हम इसमें डाल देंगे पानी कि ये आलू अच्छे से गल जाएँ। और ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है आलू में पानी कि ये आलू गल जाएँ। तो आलू जब तक गल जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके बाद क्या करना है आलू के गलने के बाद। जब तक हम इसको यहाँ पर ढक देंगे, ये हमने यहाँ इसको ढक दिया है। तो अब हम जो है ये जो चावल हैं हम इसको भिगो देंगे जब तक आलू गल जाएँ। तो ये देखें चावल जो है हम भिगो रहे हैं यहाँ पर। आलू देखें इसे गल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल, ये जो हमने भिगोए हुए थे अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये देखें इसका पानी खुशक हो गया है, आधे से ज़्यादा थोड़ा सा रह गया है बस। अब हम इसको लगाएंगे दम, फिर हम आपको दिखाते हैं दम के बाद चावल कैसे लगेंगे। रख दिए हैं ये चावल दम पे, तो हम इसकी आँच करेंगे थोड़ी सी लो ताकि ये अच्छे से दम लग जाए। अगर ये देखें ये चावल हो गए हैं रेडी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जैसा कि व्यूवर्स मैंने आपको बताया था मेरे है देवर की शादी, तो ये देखें कार्ड चिपके आ गए हैं और हम कार्ड बांटेंगे। तो हम बांटेंगे अब कार्ड। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी, आज के लिए मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।